नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आज बनाने जा रही हूँ जलेबी। जलेबी बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। मैदा 2 कप, खमीर या ईस्ट 1 चम्मच, केसर के धागे 6 से 7, नींबू का रस 1 चम्मच, चीनी 2 कप या आवश्यकता अनुसार, पानी आवश्यकता अनुसार, तलने हेतु घी 300 ग्राम या आवश्यकता अनुसार। सबसे पहले एक कटोरी में ईस्ट लेंगे, इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डालेंगे और 1 मिनट के लिए रख देंगे। अब चम्मच की मदद से ईस्ट को घोल लेंगे। अब एक कटोरी में मैदा लेंगे और इसमें घुला हुआ ईस्ट व थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालकर घोल को तैयार करेंगे। खमीर किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। अब घोल को ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला बनाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब कटोरे पर ढक्कन लगाकर 10 से 12 घंटे के लिए रख देंगे। अब ढक्कन खोलेंगे और मिश्रण को 4 से 5 मिनट तक बीटर से चलाते हुए मिलाएंगे। अब मिश्रण को एक टमाटो सॉस वाली बोतल में भर लेंगे और ढक्कन लगा देंगे। अब गैस जलाएंगे और कढ़ाई में चीनी और 1/2 कप पानी डालेंगे। एक तार की चाशनी तैयार करेंगे। अब चाशनी को चलाएंगे। अब इसमें नींबू का रस डालेंगे और एक बार फिर से चलाएंगे। केसर डालेंगे और 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। अब चाशनी की कढ़ाई को चूल्हे से उतार देंगे और पैन में घी डालकर गरम करेंगे। अब इसमें मिश्रण को दबाते हुए गोल गोल जलेबी का आकार देंगे और अलट पलट कर हल्के सुनहरे रंग का सेक लेंगे। अब एक एक जलेबियों को निकालकर चाशनी में डालेंगे और 2 मिनट के लिए रख देंगे। ऐसे ही हम सभी जलेबियों को बनाएंगे। अब चाशनी में जलेबियों को चलाएंगे ताकि सभी जलेबियों को चाशनी लग जाए। अब एक प्लेट में निकाल लेंगे और परोसने के लिए एक प्लेट में गर्मा गर्म जलेबियों को निकालेंगे और दूध, रबड़ी या पोहे के साथ परोसेंगे। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं, और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, यानी कि सब्सक्राइब करें। इस विधि को आप हमारी वेबसाइट maankirasoi.net पर भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्यंजन के साथ। धन्यवाद।